अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस बाय शबाना शेख। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही टेस्टी और इजी है। इसे मैरिनेट करके अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट रखें, नहीं है तो 2 से 3 घंटा कम से कम आपको रखना ही है। इससे कबाब इसके ये बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है और ये मशीन का है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा जो एक बार मशीन का निकला हुआ रहता है वो चाहिए। तो 1 किलो मटन के कीमे में मैंने 100 ग्राम फैट भी डाला है, इससे बहुत ही जूसी बनता है और बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी आती है। तो इसको अच्छी तरह से धो लेना है आपको, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़ी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 बड़ी प्याज चाहिए आपको, अच्छी तरह से इसको बारीक चॉप करना है। और इसमें डालूंगी मैं 4 से 5 हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 कप पुदीना और 1 कप हरा धनिया। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया है, जो सूखा धनिया आता है उसको मैंने कूट लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, मोटा मोटा दरदरा इसको कूट लेना है। और ये 3 टेबलस्पून है, 1 किलो में मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। यहाँ पर मसाले में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के लेना है गर्म मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है चाट मसाला पाउडर। इसमें ज़ीरा मैं पिसा हुआ नहीं डालूंगी, इसमें डालना है आपको सफ़ेद ज़ीरा अखा, इसको मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कम ज़्यादा जैसा आपके घर में पसंद करते हो। और अदरक लहसुन पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के मैं डालूंगी, ये 2 टेबलस्पून है, मैं ये पूरा डाल दूंगी इसमें। कच्चा पपीते का पेस्ट 1 टेबलस्पून है, ये डाल देंगे। एक लेमन लिया था मैंने, जितना भी उसमें आपको निकलेगा लेमन जूस वो डाल देना है उसमें, तो ये 1 लेमन का है पूरा जूस। तो सारी चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और किसी बड़े बर्तन में आपको कीमा मसाला निकालना है ताकि अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करने में आसानी हो। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और जाएगा, ये है बेसन, 5 टेबलस्पून मैंने लिया है। इसको बिल्कुल भी भूनना नहीं है, कुछ नहीं। और जो धनिया मैंने लिया था वो भी नहीं भूना था, बगैर भूने उसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था, वो भी डाल दिया है। और बेसन को भी मैं इसी तरह मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी मिक्स। अच्छी तरह से आपको हर चीज़ मिक्स करना है और मिक्स करके इसको मैं ओवरनाइट रख रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटा रखेंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में ओवरनाइट ताकि अच्छा सा ये मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी रख सकते हैं, वरना 2 से 3 घंटा तो रखना ही है आपको। तो ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ये अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। इसको अब हम करेंगे फ्राई। उसके पहले मैं इसमें डाल दूँगी 2 अंडे, 1/2 किलो का बना रहे हैं तो 1 अंडा डालेंगे आप, लेकिन ये 1 किलो कीमा था तो इसमें मैं डालूंगी 2 अंडे और इसको अच्छी तरह से मैं कर लूंगी मिक्स। तो कीमे के मिक्सचर में मैंने 2 अंडे डाले और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको अब हम करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैं तवा ले रही हूँ, आप फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये मैंने तवा लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप ऑयल डाला है। और इसके जो कबाब बनेंगे इस साइज़ के बनेंगे, छोटे छोटे कबाब बनते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कबाब इसके नहीं बनते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे हम। और
इस तरह से डालते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है और लो भी नहीं रखना है आपको। मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि इसको मैंने मैरिनेट किया है ओवरनाइट, ये अच्छा सा मैरिनेशन हो चुका है, इसमें कच्चा पपीता भी डाला हुआ है तो ये आसानी से पक जाएंगे, बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे। तो और जितने आएंगे ऑयल जितना आपने डाला है उतने ही डालना है, बहुत ज़्यादा आप अगर डाल देंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे। मैं बस इतने डाली हूँ और जब मुझे लगेगा कि ये एक तरफ से कलर इसमें ब्राउन आ चुका है तो इसको मैं टर्न कर दूँगी। तो जब 5 से 7 मिनट हो जाए तो इसको हम एक कबाब को इस तरह से पलट कर देख लेंगे और हल्का सा इसका कलर जो होता है वो डार्क होता है। तो सारे कबाब को मैं टर्न कर दूँगी। तो सारे कबाबों को मैंने टर्न कर दिया है और दूसरी तरफ भी इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद इसको निकालेंगे नहीं, हम इसको साइड पर कर देंगे और दूसरे कबाब जो है वो ऑयल में डाल देंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब सारे कबाब को हम निकालेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसको बहुत ही आराम से इस तरह से साइड पर कर देंगे। तो कबाबों को मैंने साइड पर कर दिया है और भी जो कबाब मैंने फ्राई करना था तो उसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। छोटे छोटे कबाब बनाने हैं आपको, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी बड़े कबाब नहीं बनाना है, ये छोटे ही बनते हैं। और इसमें मैंने जो मिर्ची डाली थी, हरी मिर्च और लाल मिर्च, तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में तीखा नहीं खाया जाता तो मैंने बहुत कम डाली है, लेकिन ये जो कबाब होते हैं थोड़े तीखे होते हैं तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च डाली थी और लाल मिर्च भी बहुत कम डाली है। तो आप इसका जो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च डाली, आप 10 से 12 कर लेंगे जो हरी मिर्च होती है, और लाल मिर्च की क्वांटिटी भी आप बढ़ा लेंगे तो अच्छे चटपटे कबाब आपके बनकर रेडी होंगे। तो मैंने कबाब डाल दिया है, जब ये भी फ्राई हो जाएंगे तो इनको मैं टर्न करूंगी और जो साइड के कबाब हैं उनको मैं थोड़ी देर में निकाल लूँगी। तो ये कबाबों को मैंने कर लिया है फ्राई, इसको मैं करती हूँ डिश आउट और बाकी के कबाब जो हैं वो इसी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, एक अच्छी सी आप चटनी बना लीजिए, उसके साथ में लेमन के स्लाइस और प्याज के लच्छे पुदीने के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।